नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर IPTIndia.com से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं, हमारी जो वीडियो देख रहे हैं लाइव क्लासेस की वीडियोज है, तो हम कुछ क्वेश्चन कंडीशनल प्रॉम्प्टिंग से सॉल्व करते हैं। आप देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं विकास चौहान जी के क्वेश्चन के ऊपर। विकास चौहान जी ने फॉर्मूले से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। विकास चौहान जी का कहना है कि उनके पास कुछ डेट्स है। ठीक विकास जी, यस सर। और उस डेट के बारे में जानना चाहते हैं कि इस डेट का सैटरडे संडे, क्या बोला था आपने? फ्राइडे हाँ, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे तीन डेट हो तो हाईलाइट हो जाए। तो ये डेट है हमारा, और डेट का डे पता करना। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इस डेट का डे क्या है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट का फॉर्मूला, टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट फॉर्मूले में इसको सिलेक्ट करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार DD, जो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ा है उसी का सिर्फ यहाँ पे यूज करेंगे, पता चल जाएगा। तो ये सेम फॉर्मूला हम अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डालेंगे। इक्वल टेक्स्ट और F2 कॉमा DDD इज इक्वल टू, क्या बोल रहे, फ्राइडे। अब इसमें क्या कि फ्राइडे भी है, सैटरडे भी है और संडे भी है, तीन है। अब यहां पे दिक्कत ये आती है कि तीनों में से कोई एक ही होगा, तीनों नहीं होगा क्या? अब कोई डेट यस चाहे डे फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे संडे, तीनों नहीं हो सकता। तो यहां पे एंड नहीं लगेगा, क्योंकि एंड कंपल्सरी होता है, रिक्वायर होता है, एवरी कंडीशन में भी रिक्वायर्ड। यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला और का। और क्या होता है कि ऑप्शनल होता है, कि उसमें कोई एक भी कंडीशन सर, मिलेगा एक तो चल जाएगा। बात बताइए, हाँ, हमें यहाँ पे सिर्फ फ्राइडे ही ढूंढना है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको तीन लगाना पड़ेगा ना, फ्राइडे के लिए भी लगाना पड़ेगा, फिर सैटरडे के लिए लगाना पड़ेगा, फिर संडे के लिए लगाना पड़ेगा। तीन अलग अलग कंडीशन मॉडिंग नहीं लगाने सर, पड़ेंगे ना। अगर हमें खाली फ्राइडे ढूंढना है, ठीक है, सिर्फ अगर हमें खाली फ्राइडे ढूंढना है तब तो हम सिर्फ ये टेक्स्ट वाला फॉर्मूला हाँ अप्लाई करेंगे। हाँ तो सिंपल सी बात है, एक है तो ठीक है। अब फ्राइडे की जगह पे यहाँ पे हम सैटरडे कर दें, और फिर कॉमा ठीक है, और फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यहां पर करेंगे। ऐसे 3 बार हमने लिखा, तो मुझे 3 बार आप अलग अलग कंडीशन फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन तीन सेम फॉर्मूले को 3 बार टाइप करना पड़ता आपको, 3 बार जाके न्यू रूल्स एक डिफाइन बारी करना पड़ता है। शुरू से फॉर्मूला दिखाइए। फॉर्मूला सिंपल है, देखिए टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया फ्राइडे, उसी फॉर्मूले को हमने रिपीट कर दिया, बस अपना कंडीशन चेंज कर दिया, यहाँ पर फ्राइडे है, यहाँ पर सैटरडे, यहाँ पर संडे। उससे पहले और भी लगाया था आपने हाँ, उसके पहले दो और इस बार। लगाया, क्योंकि एक बार में हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं, तो एक से ज्यादा कंडीशन देना है तो एंड या फिर और। एंड कब लगाएंगे? जब हमें जरूरत पड़ेगी मोर देन वन कंडीशन बट दो रिक्वायर, और कब होगा कि मोर देन वन कंडीशन बट ऑप्शनल। अब इसको फॉर्मेट प्रिंटर से मैंने नीचे की तरफ पेंट कर दिया, ठीक है सर, यस सर, क्लियर है। अब क्लियर है इसको आप सर। इस तरह से भी कर सकते थे कि आप एक बार कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं और न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और इसके ऊपर आप पेस्ट कर देते, यहाँ पे लगा देते कि F2 पर, यहाँ पे कि टेक्स्ट F2 कॉमा DDD इक्वल टू फ्राइडे, ठीक है, ओके करते हैं। फिर वापस न्यू रूल्स में जाते हैं और फिर यूज फॉर्मूला, फिर वापस इसमें देते हैं और यहां पे देते हैं सैटरडे।
ऐसे दो तीन बार करना पड़ता, तो तीन बार ना करके आपने उसको एक ही बार में और के साथ डाल दिया। क्लियर है सब चीज? यस सर। सर अगर हम तीन बार अप्लाई करते तो तीनों बार वो मतलब पुराना जो रूल है वो हट नहीं जाता? नहीं 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 रूल तो लगा कि कलर फ्राइडे हो तो कलर करे, अदरवाइज कलर ना करे। इसमें रूल थोड़ी लगा कि फ्राइडे ना सर, जैसे हो तो कलर कलर करे। सर एक बात बताइए, एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे अगर हमने पहले फ्राइडे करा, हमने सबसे पहले रूल लगाया कि फ्राइडे, ठीक है, तो जैसे उसके बाद हम दोबारा जाते हैं तो ये इसी में ऐड होते रहते हैं? हाँ ये ऐड हो, देखिए ना ऐड हो गया ना, तीन फॉर्मूले तीन कंडीशन। दिखा सर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।